हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। वेलकम टू इंग्लिश वाइब्स। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन, अ मोस्ट अनयूजुअल बॉय, नेवर रियली बॉदर्ड मच विद एनी चाइल्डिश टॉय। हिज टीचर थॉट ही कुडंट लर्न and sent him home from school, but Tommy's mother knew for sure he wasn't any fool. He worked as newsboy on a train. He learned to telegraph. The way he concentrated made some people laugh. Thomas Alva Edison had inventions by the score in his laboratory. He kept inventing more. The phonograph, electric light with fuses, sockets too, a super storage battery, and movies were a few. If not for Mr. Edison, how dull our lives would be. We might not have the radio, the X-ray or TV. The poem is written by Vivian Gold. Here the poet is writing about the Thomas Alva Edison and his life. And Thomas Alva Edison was a great scientist. In her childhood, he is an unusual boy. एक तरह से वो असाधारण सा लड़का था, जो अदर जो कॉमन बॉय होते हैं जो उनकी तरह नहीं था। थॉमस अल्वा एडिशन अ मोस्ट अनयूजुअल बॉय, थोड़ा अननेचुरल सा दिखता था। नेवर रियली बॉदर्ड मच, कभी भी ज़्यादा परेशानी नहीं लेता था। विद एनी चाइल्डिश टॉय, किसी बच्चों के खिलौने से, मीन्स उसे किसी बच्चे के खिलौने से कोई मतलब नहीं था, कोई उसे परेशानी नहीं थी। बड़ा अनयूजुअल सा बॉय था, जैसे बच्चे होते हैं ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल अलग था। उसकी टीचर ने सोचा कि वो पढ़ नहीं सकता, तो उसने स्कूल से घर भेज दिया। पर टॉमी की मम्मी जानती थी कि वो बेवकूफ़ नहीं है। टॉमी यहाँ पे अल्वा एडिशन का ही पेट नेम है। ही वर्क एज न्यूज़ बॉय ऑन अ ट्रेन, उन्होंने एज ए न्यूज़ बॉय काम किया। उन्होंने टेलीग्राफ सीखा, और जिस वे से वो कंसंट्रेट करते थे और जिस तरह से वो एकाग्रचित यानी कंसंट्रेट करते थे, तो लोग उन पर हंसते थे। थॉमस अल्वा एडिशन ने बहुत सारे, बाय द स्कोर मतलब अ लॉट ऑफ इन्वेंशंस किए अपनी लेबोरेटरी में। ही केप्ट इन्वेंटिंग मोर, और आविष्कार वो करते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ बनाया, फोनोग्राफ बनाया, इलेक्ट्रिक लाइट, फ्यूजेस, सॉकेट्स भी बनाए, सुपर स्टोरेज बैटरीज भी बनाई, मूवीज़ के भी बनाए, जिनमें से कुछ हैं, मीन्स इनके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने बनाया। इफ़ नॉट फॉर मिस्टर एडिशन, हाउ डल आर लाइव्स वुड बी। अगर मिस्टर एडिशन नहीं होते तो हमारी लाइफ कितनी डल होती, कितनी उदास होती। शायद हमारे पास ना तो रेडियो होता, ना एक्सरे होता, और ना ही टीवी होता।